यूपी में गुंडों का राज आ गया है और सरकारी अफसरों की हो गई है शामिल। आईएस दुर्गा शक्ति का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के गुंडों से तंग आकर मथुरा में एक सब इंस्पेक्टर ने दे दी है सीपे की धमकी। ये है मथुरा के थाना बलदेव में तैनात सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह की माने तो उनको समाजवादी पार्टी से जुड़े दबंगों ने परेशान कर रखा है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सत्ता की हनक के चलते समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडों ने सरेराह सब इंस्पेक्टर की पिटाई भी की और आगरा जिला पंचायत के सदस्य विष्णु प्रधान भी शामिल था। इतना ही नहीं, जो हमलावर उन्होंने दबोचे थे उनको भी छोड़ दिया गया। शैलेंद्र की माने तो जब वे अपने मामले में कार्रवाई के लिए डीआईजी ऑफिस गए तो वहाँ भी आरोपी विष्णु प्रधान पहले से ही मौजूद था। क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं इसलिए पुलिस विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आलम यह है कि यूपी पुलिस का यह जाबाज पुलिस वाला अब विभाग छोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो पीछे से आवारा जैसे लड़के हॉर्न बजाते हुए, वैसे हॉर्न बजाते बहुत तेज स्पीड में आए, क्योंकि उनके आगे एक स्कूटी पे दो बच्चियां सवार होकर जा रही थी। वो बेचारे आगे आगे भाग रही थी, ये पीछे से उनका पीछा कर रहे थे। इसी चक्कर में उन्होंने मेरी गाड़ी में टक्का मार दी, हम लोग डिवाइडर से टकरा के गिर गए। इसका नाम विष्णु प्रधान है, वो अपने 8-10 साथियों लेके आ गया। वो आते ही उसने हम दोनों भाइयों पे हमला कर दिया। यूपी में समाजवादी सरकार के 1.5 साल के शासनकाल में समाजवादी गुंडों ने जिस तरह से आम लोगों का और सरकारी अफसरों का जीना मुहाल किया है, उससे सीएम अखिलेश की कार्यकुशलता पे सवाल उठने लगे हैं।